फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास कॉम्पैक का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल होता है 15R। ये एचपी में भी आती है मशीन, जैसा कि एचपी 15R का मॉडल होता है उसमें भी आती है। पहले ये कॉम्पैक की थी, तो कॉम्पैक का ये पुराना मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप देखोगे चार्जर लगा हुआ है, चार्जर की लाइट भी जली हुई है इसमें। हम जब मशीन ऑन करते हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं होती है स्विच से, हम इसको प्रेस करते हैं, कभी कभार 10 में से एक आध बार ये ऑन हो जाती है। मैं इसको स्विच को ऑन करता हूं तो नहीं हो पा रही है। यदि हमारे पास ऐसी समस्या हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट ऑन करके देखते हैं कि डायरेक्ट ऑन करने से हमारी मशीन ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें ये कीबोर्ड हटाना पड़ेगा और सबसे पहले हमको आपको बताते हैं कि लैपटॉप की बैटरी रिमूव करनी चाहिए, डायरेक्ट लैपटॉप नहीं खोलना चाहिए। ये बैटरी रिमूव कर दी हमने। उसके बाद इस मॉडल में ये कीबोर्ड बाहर निकल जाता है, बाहर से ही होता है, इंटरनल कीबोर्ड नहीं होता। कुछ मॉडल में इंटरनल भी कीबोर्ड होता है तो उसके साथ टचपैड बाहर निकलता है। ये निकल गया है हमारा। तो अब हम देखते हैं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, खोलने के बाद ये हम इसमें फिर चार्जर प्लग इन करते हैं तो ये प्रॉब्लम क्या आती है। ये आप देखोगे यहाँ पे मदरबोर्ड पे इसका ऑन ऑफ है तो ये स्विच जा रखा है, ये स्विच की वजह से प्रॉब्लम होती है। हमारा स्विच परफेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो अब हम आपको दिखाएं कि हमारा स्विच कैसे खराब है, हम इस चीज का कैसे पता कर पाएंगे। तो हम उसके लिए आपको मीटर का भी यूज करना पड़ता है। मीटर को डीसी पे सेट करके हमें इसमें चेक करना होता है कि कहाँ पे हमारे 3 वोल्ट आ रहे हैं। अब आप यहाँ देखोगे ये हमारे 3 वोल्ट इस पिन पे आ रहे हैं, तो इस पिन को हम डायरेक्ट ऑन डायरेक्ट किसी चिमटी वगैरह से हम इस पिन से और अर्थिंग देते हैं तो आप देखोगे हमारी मशीन ऑन हो जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे स्विच की प्रॉब्लम है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई लैपटॉप हो जिसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।